दिल्ली में बारिश तेज हुई है और बारिश का असर नई दिल्ली में भी दिखा है। कुछ सांसदों के घर के अंदर भी पानी यहां पर भर गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर में इतना पानी भर गया कि उन्हें उठाकर बाहर लाया गया। हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी। बारिश, दिल्ली की पहली बारिश। पहली बारिश हमारा तो बहुत नुकसान कर गई। घर में पानी भरा हुआ है, न घर से बाहर जा पाए और बाहर से अंदर कोई आ पाए, मिलने वाले भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि इतना इतना पानी सड़क पे है, खान मार्केट के सामने अंदर पूरा भरा हुआ। हमारा ऑफिस जहाँ बैठते हैं उसमें दो दिन पहले मैंने फ्लोरिंग करवाई थी सही उसकी, तो 8-10 साल से वो खराब हो गई। आज में पानी भर गया तो वो खराब हो जाएगी, आप जानते हैं। हर बारिश में आपके घर पर पहले भी बारिश में पानी जमा हो जाता है। NDMC वाले जब केयर ही नहीं करते हैं, नालियां साफ नहीं करते हैं, और तो यही होगा। हमारे में अकेले, हमारे में तो उधर है लेकिन और जगह भी दिल्ली में होगा ये निश्चित रूप से। हमारे बगल में सब बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री रह रहे हैं, उनके यहाँ भी लुटियन जोन में खास तौर से जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके घर का ये हाल है, तो बाकी क्या कहेंगे हम? सारे देश का ऐसा ही हाल हो गया है, सारे देश का यही हाल है। ये रामगोपाल जी, एयरपोर्ट में भी जो है एक छज्जा जो है T1 में गिर गया है वहाँ पर। एक जब कमीशन खोरी बहुत ज्यादा होगी तो यही होगा, जब राम मंदिर लीक करने लगा तो आप समझ लीजिए क्या कर सकते हैं। ये थे सपा के नेता रामगोपाल यादव। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।